देख आ रही है वो, चाल देख इसके बाल देख और तू मेरा हाल देख, पटाका है यार, पटाका है यार। यार आज तो यहाँ पर खूबसूरती की बारिश ही हो रही है। हाँ भाई, पर एक भी लड़की नहीं पट रही है मुझसे। लड़की ऐसे नहीं पटती, जी जाने करना पड़ता है उसके लिए। अमेजिंग, हाय ब्यूटी। ब्यूटी नहीं रे, स्वीटी। थप्पड़ लड़की पटाने की पहली सीढ़ी है। तू लकी है यार, तू लड़की पटाने की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। वो कौन सी सीढ़ी? एंग्री मैन सर। हे सी व्हाट ही इज डूइंग। हे अपना शर्ट निकाल। हे निकाल। इसका हमेशा का है। सोच क्या रहा है, जल्दी निकाल। ए सोच क्या रहा है, ऐसा क्यों करवा रहे हो तुम लोग, छोड़ दो ना इसे। प्रिंसिपल। पृथ्वी व्हाट इज दिस? सॉरी सर। कम। लड़के ने शर्ट निकाली तो सर को पसंद नहीं है, वही एक लड़की निकालती तो बहुत पसंद आता। अरे यार एक कुछ नहीं, तो प्रिंसिपल ने लगाई दी थी यार, तो भी टेंशन लेता है। बच गया नीना। हाय चंदू। हाय नित्या, यहाँ क्या कर रही हो? अभी अभी प्रिंसिपल सर आ गए थे। फिर से रैगिंग हुई है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नित्या तुम्हारा असाइनमेंट। ओह वाओ, इतनी जल्दी हो गया? नित्या लास्ट पेज देखो। वाओ बहुत अच्छा है। हैप्पी बर्थडे नित्या। थैंक यू चंदू। तो चले। क्या चाहिए आपको? सर गणपति का चंदा। क्या सर सिर्फ 100 रुपए? कम से कम 500 दो ना सर। हर गली में गणपति रखना जरूरी है क्या? चुपचाप पैसे दे रहा है कि नहीं? अब 10 दिनों तक वही शोर शराबा। वो तो है, क्या करें। ऊपर से पटाखे तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था। उनके साथ झगड़ा नहीं करना था इसलिए। वैसे तुम्हारे दिल्ली में भी ऐसे ही लूटते हैं? ए रुक। ए अरे भाई लगा तो नहीं, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छा हुआ। मैं अभी आता हूँ। बहुत लगे। अरे घाव गहरा है, खून भी बहुत बह रहा है। एक मिनट खून को रोक लेना भाई। रुको आराम, बाइक लेके आता हूँ। आओ इस तरफ, इस तरफ आओ। बैठ चल, बैठ जा, बैठ जा। नित्या चलें? 1 घंटे लेट हो तुम। सॉरी बर्थडे गर्ल। वैसे भी तुम्हें जिसने धमकी दी उसकी हेल्प क्यों की तुमने? वो सब छोड़ो, लेट हो रहा है, चलो। हाय। हाय विजय। हाय, इतना लेट कैसे हो गया? वो तो एक बड़ी सी स्टोरी है। हे हाय ब्रो। हे हाय, कैसे हो? हाय नित्या, क्या यार तू इतना लेट क्यों आया? ठीक है। अरे थोड़ा साउंड और बढ़ाओ। hey, यार नो no, यार लास्ट ईयर बगल वाली आंटी ने साउंड पोल्यूशन के चलते कंप्लेंट कर दी थी। नो वे, ये इतना लो वॉल्यूम है कि बिना नाचे ही मैं सो जाऊंगा। अरे विजय एक काम करते हैं, वो आंटी का बेटा है ना उसे भी पार्टी में बुला ले, तभी अपनी पार्टी सेफ होगी। कॉल कर ले। अरे सुनील। हाँ बोल। तू कहाँ पर है? हम विजय के घर पे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं यार। नहीं आ पाऊंगा, सॉरी कुछ काम है यार। 1 घंटे बाद चले जाना ना। नहीं यार मम्मी अभी जाग रही है। आ जा यार, तेरी कमी खल रही है, तू आएगा ना तो पार्टी में रौनक आ जाएगी। ठीक है तू इतना कह रहा है तो आता हूँ। ठीक है अपना बाबा आ रहा है। यस अब तो साउंड बढ़ा दो यार, बढ़ाओ साउंड। अरे रुक यार, तेरे लिए नेट में से अच्छा सा साउंड लगाता हूँ। हाय सुनील कैसे हो? अच्छा हूँ।
ये लो। यहाँ इतना ज्यादा साउंड पोल्यूशन तो नहीं है? अगर आप पहले आते तो पता चलता कि कितना साउंड पोल्यूशन है। स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ी मस्ती तो करेंगे। मेरा बेटा भी स्टूडेंट ही है, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं करता। वो एग्जाम के लिए सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। लगता है कोई तो आ रहा है। कौन होगा यार? अरे मम्मी है यार। चुप जा, चुप जा, जल्दी चल, चल चल चल। क्या चल रहा है? तेज वॉल्यूम करके बगल वालों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था तो उसे देखने के लिए आए हैं। अरे बोलना। हाँ ये सच कह रहा है सर। मैं कुछ करता हूँ। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? बेडरूम में है सर। ठीक है चलो देखते हैं। उसकी मम्मी अंदर आ रही है यार। ये सब नाटक चल रहा है सर। ये कौन है मैं अच्छे से जानती हूँ। इससे पहले भी इसने यही हरकत की थी। सुनील? मम्मी मुझे फंसा दिया ना। अबे सुनील मैं ले आया। तूने ड्रिंक मांगी थी ना। तेरी तो पार्टी अच्छी थी ना। सुपर्ब। संभल गया। ओहो मैं चाबी भूल गया। तुम बाइक तक चल के जाओ, मैं चाबी लेके आता हूँ। ओके। क्या लड़की है यार। रोजी लिप्स, डिंपल चिन, थंडर थाइस। हम कुछ भूल गए क्या भाई? भूले क्या? बदतमीज कहीं के। भैया प्लीज। भैया नित्या ये लोग बहुत पिए हुए हैं, चलो। पी रखी है तो क्या हुआ? इन्हें तो मैं सबक सिखाती हूँ। तुम आओ, मैं कह रहा हूँ ना। ए, वो कुछ तो दिखाने के लिए कह रही थी। अरे देखने देना। छोड़ो नित्या, आओ। चंदू उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और तुमने उन्हें कुछ कहा भी नहीं। नित्या उन्होंने बहुत ही पी रखी है, वैसे भी पार्टी खत्म हो गई है ना, बेवजह झगड़ा किस लिए बढ़ाना। बेवजह? वो लोग मुझे छेड़ रहे थे चंदू, और तुम बेवजह कह रहे हो। बात तो नहीं है नित्या। पृथ्वी को देखो, मुझे ठीक से जानता भी नहीं है, फिर भी मेरे लिए उनसे लड़ रहा है। मैं उतना शो ऑफ नहीं कर सकता। शो ऑफ? हाँ सच सच क्यों नहीं कहते कि तुम उनसे डर गए? जान से ज्यादा प्यार करने वालों से ज्यादा वो दिखावा करने वाले तुम्हें पसंद है? सब लड़कियां एक सी होती हैं। हाय नित्या। हाय। गेट इन यार। टीवी चैनल प्रस्तुत डर रियलिटी शो। इस शो में आखिरी तक जो उस भूत बंगले में टिकेगा उसे 20 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसे कॉन्टेस्ट फर्जी होते हैं यार, जीतने वालों को कोई पैसे नहीं मिलते। नहीं यार, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वालों के लिए भी प्राइस मनी है, मिनिमम 2 लाख रुपए। अरे यार सिनेमा की तरह भूत है कहकर डराएंगे, पर सच में ऐसा कुछ होता नहीं है। चल ठीक है, हम भी अप्लाई कर देते हैं। क्यों? नहीं यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अरे अरे ऐसा मत बोल प्लीज यार, हम भी अप्लाई करते हैं ना। शायद नित्या ने भी अप्लाई किया है। तो फिर चलते हैं। ए, अपना भाई उसके लिए जरूर आएगा। लेकिन जब हमने बुलाया तो ये नहीं आया। ए, ऐसी बात नहीं है यार। अरे पर साइदल तेरा सप्लीज। सप्लीज का क्या है यार, बहुत टाइम है, पहले हम लोग पार्टी करेंगे। अब किस लिए यार? जाएंगे तो 2 लाख पक्का मिलेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेलेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है? रवि इन 10 एप्लीकेंट्स के नंबर को फोन करके सभी को संडे 10 बजे तक रेडी रहने के लिए बोलो। इतने एप्लीकेशंस में से इन 10 लोगों को ही क्यों सिलेक्ट किया है? ये लोग डेरिंग और डैशिंग है क्या? क्या पता, प्रोड्यूसर ने उन सबको सिलेक्ट किया है, उनमें क्या टैलेंट होगा मुझे कैसे पता होगा। ये सब कौन से कॉलेज से हैं सर? कुछ जीके इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद के हैं और कुछ गुंटूर के आरबी इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं।
हमारे डर शो से ज्यादा इसका रिएक्शन ही डरावना है। तू सेलेक्ट नहीं हो पाया ना यार, मेरी जगह तू जाएगा तो पता नहीं वो लोग मानेंगे। मैं किसी तरह मनाऊंगा यार। लास्ट मिनट में क्या कर रहा है यार? प्लीज यार, ये लव मैटर है। पर मेरा प्राइज मनी? वो 2 लाख मैं दे दूंगा यार। ठीक है, मुझे 5 मिनट दे, सोच के बताता हूँ। ब्यूटीफुल। ए, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? वो ये घर बहुत बढ़िया है। रात को देखोगे तो डर के मारे मर जाओगे। हाँ वही तो, बिना मेकअप के देख के रात में कोई भी डर जाएगा। ए, मैं घर के बारे में बात कर रहा हूँ। अरे चंदू, तू यहाँ पे क्या कर रहा है यार? तू तो सिलेक्ट नहीं हुआ था ना? वो विजय को 2 लाख दे दिए और उसकी जगह पर मैं आ गया। तू ये सब क्यों कर रहा है? मुझे सब पता है। नित्या से ब्रेकअप करके 1 महीना हो गया यार, उससे बात किए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। किसी तरह शो में उसे सॉरी बोल के उसके साथ पैचअप करने की सोच रहा हूँ। टीवी ऑडियंस के सामने पैचअप करना बड़ा रोमांटिक होगा भाई। हाँ। वैसे भी यार, इन लोगों से मेरी कभी पटरी नहीं खाई, तेरे आने से मुझे बड़ी खुशी मिली यार। इतनी बड़ी बैग किस लिए? और क्या किताबें हैं यार। पर इतनी सारी किताबें, जितनी सप्ली आई है उतनी किताबें भी है। लेकिन यहाँ पढ़ पाएगा? बिल्कुल यार, सारे सब्जेक्ट क्लियर करके इस बार कॉलेज का रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूंगा। चल देखते हैं। वेलकम टू द हाउस। आप सब फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए आइए। चल। सॉरी गाइस, मुझे देर हो गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
इंटरनेट एंड केबल टीवी आर नॉट अलाउड इन दिस प्रीमाइसेस एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अदर एक्टिविटीज व्हाट इज दिस ये एक शो के रूल्स हैं चंदू ये देखना अटेंशन एवरीबॉडी इस शो से संबंधित सारे रूल्स आपके सामने हैं एक साल पहले इस हाउस में एक लड़की यहीं पे फांसी लगाकर मर गई थी और तब से यहां पे भूत है ऐसा कहा जाता है भूत का नाम सुनते ही डर लग रहा है ना वही भूत अगर सामने आ जाए तो आपके अंदर का डर कैसे बढ़ता है उसके लिए एक मीटर होगा आपके हर इमोशंस यहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरास कैप्चर करेंगे टीवी चैनल पर यह रियलिटी शो दिखाया जाएगा इस शो का हिस्सा होने तक आपका संपर्क बाहर की दुनिया से बिल्कुल नहीं होगा नो फोन नो इंटरनेट रात के 10 बजे के बाद कोई भी साथ में नहीं रह सकता है सबको अलग अलग और अकेले रहना होगा ये शो पूरे 9 दिन का है हर दिन पहले जो भी ज्यादा डर जाएगा वो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा आखिर में जो बचेगा उसे 20 लाख का प्राइज मनी मिलेगा बी ब्रेव एंड ऑल द बेस्ट नो फोन नो इंटरनेट बाप रे कितना बोर अरे तुझे अभी से बोर हो रहा है तो साल भर से उसे कितना बोर हो रहा होगा सोच किसे भूत को चुप कर अस्मत हाँ देना मुझे अरे वहाँ जाकर काटो ना अरे चला देख क्या है तू काम कर जाएगा वो तुम भी ना लाओ ये लो ये मच्छी मार्केट है या फिर क्लासरूम है गाइस हम दो टीम्स में डिवाइड होके एक दिन एक टीम और दूसरे दिन दूसरी टीम खाना बनाए तो कैसा रहेगा या गुड आइडिया तो किसका कौन सा किसके ग्रुप में वेरी सिंपल हैदराबाद कॉलेज वालों की एक टीम और गुंटूर कॉलेज वालों की दूसरी तो फिर हम लोग कल खाना बनाएंगे हम नहीं बनाएंगे तू बनाएगा ना हम नहीं करेंगे नहीं नहीं हम कल ही खाना बनाएंगे नहीं नहीं ये नहीं चलने वाला टॉस करके डिसाइड करना चाहिए हां चलेगा हां ये ठीक है चलेगा कौन दे ओके ये ले हेड्स हेड्स हेड 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 टेल्स आज का खाना तुम लोग बनाओगे Come on guys, हमारा बैच गेम रूम में जाएगा ये सब मेरी वजह से हुआ स्लो किसने मारा क्या ये टेबल टेनिस ऐसे खेलते हैं क्या हमारे गांव में तो ऐसे कंचे खेलते थे साइदल तू खेल मैं पानी पी के आता हूं ए गिरी हमें हेल्प कर सकता है ना अरे मैं क्यों तुम चारों तो हो ना सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता यहाँ काम भी करना पड़ता है हाँ वही कर रहा हूँ हाउ टू कुक विदाउट बुक उस बुक से अच्छा खाना तो थॉमस ऐसे ही बना देगा तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो वो नहीं आएगा छोड़ दे तुम लोग अपना काम खुद करो मुझसे काम करवाने का प्लान मत करो अरे चंदू मुझे ये रिंग अंदर मिली यार अरे साइदल ये तो नित्या की है ना बेचारी अंदर ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होगी यार एक काम करता हूँ कल वैलेंटाइंस डे है सॉरी कह के प्रपोज करूंगा कहा था ना उस टाइम पे ये रिंग भी दे दूंगा क्या बात है मस्त आइडिया है चल चल अरे सब साथ में हो तो नो पजल्स ये कितना मुश्किल है तुझे पता है क्या है ये बॉल बाहर आना चाहिए इतना ही ना हाँ तो करके दिखा इसमें क्या है सिंपल है नो थैंक्स चंदू इट्स ओके ये गिरी के लिए स्पेशल डिश है थैंक्स हमारे ग्रुप में रहकर भी इसने हमारी कोई हेल्प नहीं की इसलिए सब कुछ फ्रेश है गिरी वो प्लेट डाइटिशियन को दे दे आराम से खाएगी साइदल वैसे ये आदमी कौन है कोई नहीं ये क्या यार आर्यन नाम तुम्हारे फेस को मैच नहीं हो रहा ऐसा मैंने सोचा था तुम्हारा नाम साइदल है वो क्या है कि आर्यन साइदल रिसेंटली बदल दिया अच्छा लगा ना बहुत अच्छा है खाना का चश्मेश ओ सॉरी आर्यन तुम्हारे लिए भी एक स्पेशल डिश है लाऊं देखो ठीक है ये लो खाओ लो खाओ तो
तुम्हारे लिए मैचिंग। हैप्पी वैलेंटाइंस डे नित्या। अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी तो सच में सॉरी नित्या। I love you नित्या। हैप्पी वैलेंटाइंस डे नित्या। अगर तुम्हें तकलीफ दी हो तो सच में सॉरी नित्या। I love you नित्या। I love you नित्या। उफ, किताबों की धूल हटाकर मेरी नाक में धूल भर रही है। आछी, सच में आछी। अब पढ़ने का मूड बना ही लेता हूँ। ये ठीक रहेगी। इतनी रात को कौन होगा? भूत तो नहीं आया होगा ना? अबे तू है, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? सिगरेट चाहिए यार। ठीक है, आजा। ये ले। यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है? एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है क्या? भाई ये जो सब्जेक्ट है ना बहुत इजी है, पता नहीं मैं कैसे फेल हो गया। जरा देखूं तो? ये ले देख। अभी ये तो बाइबल है। ओह हाँ यार, तुझे बीटेक की किताबें और बाइबल में फर्क नहीं समझ आ रहा? तू तो बिल्कुल बेवकूफ है। थू। अरे वैसा कुछ नहीं है यार, पहले सोचा बाइबल पढ़ के ऊपर वाले से प्रार्थना कर लूं, उसके बाद में किताब पढ़ूंगा। अरे वाह, बहुत पढ़ाई कर ली तूने, अब बस कर, चला। ठीक है तू जा। ना ठीक से पढ़ सकता हूँ ना ठीक से सो सकता हूँ यहाँ पे। थू, थू। ए छोटू, ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है मुझको? ओ ये तो बाइबल है। मीथेन गैस इज सिंपली रिलेटेड टू, अरे यार पढ़ने मन नहीं लग रहा है। मीथेन गैस इज सिंपली, Oh.
अरे लगता है रात में बहुत बारिश हुई यार। लगता है ये फ्लावर्स इसलिए इतने फ्रेश हैं। रेड रोज एक भी नहीं है यार, जहां भी देखो व्हाइट रोज ही दिखाई दे रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी उसे सॉरी तो बोलना है ना, ऐसे सिचुएशन में रेड से अच्छा तो व्हाइट ही होता है। सुपर्ब यार। यहाँ पे ब्लैक रोज होता तो और अच्छा होता। वो किस लिए? स्नेहा को देना है ना। अरे उतना गुस्सा क्यों करता है यार? जब देखो वो मेरी बेइज्जती करती रहती है ना, इसीलिए। अरे साइदल ये देख, ये अच्छा है। हाँ यार बहुत खूबसूरत है। चल चले। हाँ, चल अच्छा बाद में ट्राई करें क्या यार? अरे लेफ्ट में ट्राई करना, बहुत मुश्किल है। हाय नित्या, नाइस ड्रेस। थैंक यू। हाय 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 हाय। ये देख, अटेंशन एवरीबॉडी, आज जो यहां से एलिमिनेट होगा उसका नाम है थॉमस। ओह गॉड, सॉरी थॉमस। अरे हमारा अच्छा कुक चला जाएगा। वो आर्यन दिख ही नहीं रहा था, मुझे लगा वो एलिमिनेट हो गया, बहुत खुश हो गई थी मैं। इट्स ओके गाइस, नो प्रॉब्लम, मैं घर जाके तुम सबको टीवी पर देखूंगा। बाय बाय बाय। ओके बाय, सी यू ब्रो, सी यू, बाय बाय बाय। नेक्स्ट कौन एलिमिनेट होने वाला है? बेचारा थॉमस फर्स्ट एलिमिनेट हो गया। गुड मॉर्निंग। हाय नित्या, बैठो। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। आई लव यू नित्या। Huh?
नित्या सॉरी पृथ्वी, एक महीने पहले ही मैंने एक रिलेशनशिप खत्म की थी, अभी तक उसे भुला नहीं पाई हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम नित्या, टेक योर ओन टाइम। पृथ्वी, मैं शो की प्राइज मनी से मेरी सिस्टर जो बुटीक स्टार्ट करना चाहती है उसमें हेल्प करना चाहती हूँ। वाओ, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। मैं तो 50% अनाथ आश्रम वालों को और 50% ओल्ड एज होम को दूंगा। हाँ? जस्ट किडिंग। इतना पैसा मिलने पर स्पोर्ट्स में लगाऊंगा। दैट्स माय ड्रीम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आजकल की लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता, और तुम? मेरी माँ नहीं थी ना, इसीलिए सब सीखना पड़ा। वैसे लड़कियों को तुम्हारी तरह होना चाहिए नित्या। थैंक यू। फर्स्ट टाइम हम यूथ के लिए कोई रियलिटी शो आ रहा है यार, वरना हमेशा औरतों के सीरियल और बच्चों के डांस शोज ही आते रहते हैं। हाँ। हर चैनल पे रियलिटी शो ही आ रहा है, रिमोट मुझे दो, न्यूज देखनी है। रुकिए ना, मेरा भाई भी उसमें है। तुम्हारे भाई का सीन आएगा तब देख लेंगे, रिमोट मुझे दो। कहाँ रखती है? I love you, Nitya. Happy Valentine's Day. अगर मैंने तुम्हें तकलीफ दी हो तो सच में सॉरी नित्या। आई लव यू नित्या। हैप्पी वैलेंटाइंस डे नित्या।
ये क्या हो रहा है? मशीन धीमी क्यों नहीं हो रही? ए, कोई है? ए, चंदू, जल्दी से इधर आ! अरे आना, आना, मशीन खराब हो गई है। ये पानी पी लो। थैंक्स यार। ओके ना? आई एम श्योर ना? थैंक्स यार। गुड नाइट। गुड नाइट। पृथ्वी, रात को बताया क्या हुआ? क्या हुआ? मैं रिंग ढूंढने के लिए गेम्स रूम में गई और वहाँ कुछ ऐसा अजीब हुआ ना कि मैं बहुत डर गई। अरे बाप रे, इसका मतलब आज तुम एलिमिनेट होने वाली हो। वैसे मेरे डरने से एलिमिनेट होने का क्या संबंध है? दो दिन बीत चुके हैं और आज एलिमिनेट होने वाले का नाम है। अरे ये भी ना, हमेशा सस्पेंस रख के हमें परेशान करता रहता है। अफरोज, मैं इतना नहीं डरा था। बच गई। चीटिंग है ये। बॉडी से कुछ नहीं होता, अंदर से मजबूत होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, अफरोज के बदले मैं यहाँ से जाने की सोच रहा हूँ। क्यों चंदू, तू भी सच में डर गया है क्या? डर नहीं यार, मैं इस शो में बोर हो रहा हूँ। बोर हो गया? मुझे तो पहले ही पता था चंदू फर्स्ट या सेकंड राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन नहीं हुआ, बल्कि मैं तो यहाँ से खुद ही जाने की सोच रहा हूँ। सच सच क्यों नहीं कह देते कि डर के मारे जा रहे हो, बोर हो गया कह रहे हो? आप जो चाहे वो सोच लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। ये क्या यार, जो डर गया वो घर गया। चंदू, ये बुक रख लो, काम आएगी। क्या है वो? हनुमान चालीसा है यार। देख यार, मैं जानता हूँ कि तुझको बहुत बुरा लगा है, जो हुआ उसे भूल जाया। वो मेरे सामने ही पृथ्वी के साथ क्लोज रह रही है, तो मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। कम से कम तू मेरी बात तो मान। रुक जा यार। सॉरी यार, ऑल द बेस्ट, बाय। हाय गाइस। हाय, नाइस परफ्यूम। थैंक यू। ए, बहुत बोर हो रहा है यार, हम लोग कोई गेम खेले क्या? गेम ट्रूथ और डेयर, वही रूटीन। क्या यार, हाउ इज योर बोर्ड? हाँ, बहुत अच्छा होगा। मजाक कर रहे हो,
अभी हम लोग यहाँ भूत से डर रहे हैं और वो जो बोर्ड नो यार हाँ आउजो बोर्ड से कंफर्म होगा ना कि इस घर में भूत है या नहीं। ऑब्वियसली सही कहा भाई, चलो खेलते हैं। स्पिरिट कम 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 स्पिरिट कम। Spirit come, 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 spirit come. Oh, Ojo board. मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है? ओके ओके। कोई क्वेश्चन पूछते पृथ्वी? ओके रेडी, क्लोज योर आईज। अगला कौन है एलिमिनेशन के लिए? मतलब तुम ही हो। ए, मेरा नाम सैदल है, आर्यन नहीं। ए फॉर अफरोज भी तो हो सकता है ना। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू क्लोज योर आईज। इस फार्म हाउस में भूत है क्या? वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। तुम तो डरा रही हो यार। वहाँ पर तो कोई नहीं है। तो स्नेहा, वहाँ कोई नहीं है। पता है कॉइन को यस पे किसने सरकाया? मैंने। क्या यार, फालतू में डरा दिया। अटेंशन एवरीबॉडी, आज जो यहाँ से एलिमिनेट होगा उसका नाम है थॉमस। अरे यार, ये थॉमस कैसे एलिमिनेट हो गया? किचन में बहुत डर गया था इसीलिए एलिमिनेट हो गया। I love you, नित्या। देखते हैं अब चंदू क्या करेगा। भाभी, हमारे घर का टीवी खराब हो गया है, क्या आपके साथ ये प्रोग्राम देख सकती हूँ? ठीक है भाभी, उसमें क्या है, आइए बैठिए। ए यार, पीछे और तुम्हें पता है क्या हुआ? मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, लेकिन हमारे बिना खेल रहे हो। वो बाद में करेंगे। मुझे पता है ना, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ही आउट करूंगा। हाँ देखते हैं। देख कैसे आउट करता हूँ। चलो हम भी खेलते हैं। तेरी बारी है। कितनी उंगली है? ओके
मैंने अच्छे से काम किया है। कीर्ति 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 मुझे पता है तुम यहीं छुपी हो। कीर्ति गिरी क्या कर रहा है तू यहाँ पर? डिनर का टाइम हो गया, चल खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। तो यही थी। कहाँ चली गई होगी वो? अरे यहीं कहीं पर छिपी होगी, खुद आ जाएगी वो। मुझे दे, ये लो खाओ। मुझे भी, मुझे भी दो और थोड़ा। वेलकम टू द फोर्थ डे। आज से एलिमिनेट होने वाले पहले ही दिन चले जाएंगे। इसका मतलब ब्रेकफास्ट पर नहीं दिखने वाले लोग समझो एलिमिनेट हो चुके हैं। मतलब अब कीर्ति एलिमिनेट हो गई है? हाँ ये सच है। अब हम सात लोग ही बचे हैं। मतलब हम रोज रोज प्राइज मनी के नजदीक आ रहे हैं। प्राइज मनी का छोड़ो यार, दिन ब दिन मेरा डर तो बढ़ते ही जा रहा है। अच्छा है ना, तू भी एलिमिनेट हो जाएगी। ए, ए, अगर हम ट्रेलर सिनेमा देखेंगे ना तो हम अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, भूत आने पे भी नहीं डरेंगे हम लोग। टेरर प्रैक्टिस क्या? हाँ यार देख, ये अच्छा सीन है। हाय यार। हाय। अरे वो साइदल का है? वो नहा रहा है। सुनो मुझे एक आइडिया आया है। जैसा इस साइको फिल्म में दिखाया है वैसे साइदल को बाथरूम में डराते हैं। क्या आइडिया है यार। आजा।
कीर्ति, मुझे बताया तुम यही हो। कीर्ति तुम यहीं पे हो ना? हेलो, रविशंकर जी बोल रहे हैं क्या? यस, स्पीकिंग। सर, मैं कीर्ति की माँ बोल रही हूँ, उससे एक बार बात कर सकती हूँ क्या? सॉरी मैडम, हमें उनसे बात करने के लिए परमिशन नहीं है। तो फिर डायरेक्टर जी से बात कर सकती हूँ क्या? डायरेक्टर से बात करने के लिए हम भी ट्राई कर रहे हैं, पर लाइन मिल नहीं पा रही। लाइन मिलते ही हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। थैंक्स सर। क्या रे, पिक्चर देखने चलेगा क्या? नहीं यार, मेरे को रियलिटी शो देखने का है। ठीक है, तेरी मर्जी। ठीक है। ये क्या जी, उस लड़की को किसने मारा? शुरू में तो भूत बता रहे थे, अब कोई मास्क पहनकर उन्हें मार रहा है। क्या पता, लेकिन ये शो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तुम जैसे लोग हैं इसीलिए ये सीरियल वाले असिस्टेंट्स करते ही रहेंगे। ये सब कुछ टीआरपी के लिए है। क्या कहा, ये शो कोई पार्टी है क्या? तुम भी ना, टीआरपी। वो सब कुछ तो मैं नहीं जानती, मेरा भाई गिरी अच्छा कर रहा है ना। तुम्हारा भाई गिरी एक्टिंग नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम्हारे तो जीन्स में मुझे है। कुछ भी कह लो, हमारे जीन्स के बारे में कुछ मत कहना। अरे बाप रे। हेलो, हमें शॉपिंग किए कितने दिन हो गए पता है? ऐसे रोमांटिक वक्त पर तुम ये क्या रोबोट की तरह बैठे हो? ए रुको, मुझे दो। नहीं दूंगी। अरे प्लीज। नहीं दूंगी मैं, छोड़ो। नहीं स्नेहा, नहीं दूंगी मैं। स्नेहा प्लीज, नहीं प्लीज। तुम भी क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो स्नेहा। टाइम देखो, अभी 30 मिनट्स ही हैं। 30 मिनट्स मतलब 1800 सेकेंड्स, बहुत टाइम है। वो है क्या? है क्या? वही देख रहा हूँ। हमें इस जंगल में लाकर छोड़ दिया है, यहाँ वो सब कहाँ मिलेगा? 1 मिनट, अभी लाता हूँ। और कितनी देर? हाँ, अरे वही ढूंढ रहा हूँ। यस। मिला क्या? हाँ मिला। वन सेकेंड।
किरण, किरण, किरण गिरी की आवाज सुनाई दे रही है, वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है। तुम भी ना वो मशीन तो लगा लो। लगता है भूत देखकर गिरी डर गया है। अच्छा है वही एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे इस मशीन को लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। मतलब रात होने पर जब ये मशीन निकाल दूंगा तो किसी भी भूत की आवाज या किसी की चीख की आवाज कुछ सुनाई नहीं देगी। बिना डर के आराम से सोता रहूंगा मैं। ये किरण और ये मैं आर्यन। हाँ अब ठीक है। हाय। हाँ सारे नाम नंबर से मैंने लिख दिए। ए स्कूल टीचर की तरह अटेंडेंस लगा रहे हो क्या? तू पहले अपना मुंह पेंट करना बंद कर। गेस कर आज कौन एलिमिनेट हुआ होगा? मुझे तो लग रहा था अफरोज हुआ होगा। हाँ अफरोज। हाँ उसकी सिक्स पैक्स बॉडी है, वो कैसे एलिमिनेट होगा? हिम्मत दिल में होनी चाहिए, सिक्स पैक बॉडी से कुछ नहीं होता। मतलब गिरी एलिमिनेट हुआ है। हाय गाइस। हाय। कुछ खास है आज? चल यार हम दोनों मिलके अच्छी कॉफी बनाते हैं। चल चल। ये देखो इसका बिहेवियर, ये इसको भी बिगाड़ देगा, मैं जानता हूँ इसे। हाय नित्या। हाय। हाय पृथ्वी। हाय। गिरी भी एलिमिनेट हो गया, अब हम सिर्फ 6 लोग हैं। अगर वो एलिमिनेट हुआ तो हम अकेले हो जाएंगे, उसका डर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्राइज मनी के नजदीक आ रहे हैं। Let us be brave. जो भी हो मुझे बहुत डर लग रहा है। रात को हेल्प हेल्प ऐसी गिरी की चीख सुनाई दी। उसने मुझे डराने की बहुत कोशिश की पर वो खुद ब खुद बहुत ज्यादा डर गया था। One minute, guys. अच्छा ये सब छोड़, पृथ्वी का प्रपोजल तुमने रिजेक्ट क्यों कर दिया? वो तो ठीक है पर और क्या सोच रही हो, मान जाओ ना। रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, तो इतनी जल्दी एक और रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती। वैसे ब्रेकअप किसके साथ हुआ है? चंदू। क्या अपना चंदू? वो अच्छा है यार। बहुत अच्छा है, इसीलिए तो इतना ट्राई करने के बावजूद भुला नहीं पा रही उसे। ये एक ब्रेक है या फिर ब्रेकअप है समझ नहीं पा रही हूँ। लवर्स के बीच छोटे छोटे झगड़े कॉमन हैं। उस दिन पार्टी में मुझे क्या कुछ कहा उसने। गुस्से में लोग कुछ भी कह देते हैं, बाद में आकर सॉरी कहते हैं। हमें समझना चाहिए। ब्रेकअप हुए 1 महीना हो गया है, लगता तो नहीं कि वो मुझे मिस कर रहा है, तो फिर सॉरी क्या कहेगा? नित्या तुम्हें एक बात पता है क्या, चंदू इस शो में सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। मेरे लिए? हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, सिलेक्ट होने के लिए उसने 2 लाख पे किए तब जाके यहाँ पर आया वो। जानती हो किस लिए? तुम्हें सॉरी बोल के पैचअप करने के लिए आया था। तो फिर वो चला क्यों गया? तुम्हें सॉरी बोलकर पैचअप करने ही वाला था, लेकिन पृथ्वी तुम्हारे ज्यादा क्लोज आ रहा था और पृथ्वी ने तुम्हें प्रपोज कर दिया, इसीलिए वो चला गया। क्या हुआ? कोई सीरियस बात हो रही थी क्या? कुछ। अरे कुछ नहीं, इस बॉल को इसे कैसे निकालूं ये डिस्कस कर रहा था। जरा जल्दी कीजिए सर। कंप्लेंट दे दिया है ना, हम देख लेंगे। CIG से मिल सकते हैं क्या? इस वक्त नहीं, वो अभी बिजी हैं। उनके बारे में सुना था, उनके भरोसे ही यहां पर आया हूं सर। वो पहले की बात है, अभी की नहीं। मैंने कहा ना तुमसे वो अभी बिजी हैं। जाओ कल आना। प्लीज सर प्लीज। क्या प्रॉब्लम है सर? सर ये मिलना चाहते हैं। मेरी मदद करिए सर। इनका बेटा शो से एलिमिनेट होने के बाद अभी तक घर नहीं आया है। आ जाएगा। तीन दिन हो गए सर, उसे फोन किया तो फोन बंद आ रहा है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। आ जाएगा कहा ना, बस 2 दिन रुक जाओ। चलो अभी जाओ। सर ने कह दिया ना, अभी जाओ। अब हमेशा जिम जाने से कुछ नहीं होता, कभी कभी पीना भी चाहिए। वो क्या कह रहे हैं यार? बॉल को गड्ढे में डालने का खेल खेल रहे हैं। ये ब्रांड काफी अच्छा है यार।
ये ले, एक पैक पिएगा तो बना के लाता हूँ। मैं आता हूँ, तब तक तू अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ले। एक पैक और मांगूंगा तो पता नहीं भगाना दे। अरे पृथ्वी, नित्या ने तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया क्या? ऐसी मैंने बहुत सी लड़कियां देखी है। एक महीने रुक। अच्छा ब्रांड है यार। ये लास्ट पैक है यार। ठीक है ठीक है, तब से वही बात कह रहा है। तू खेल। लगता है ज्यादा लार्ज बन गया। साइकिल तू है क्या? अरे साइकिल क्या कर रहा है? ये अभी तक अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। चिप्स भूल गया था इसीलिए आया हूँ। जा। अफरोज, हे अफरोज, 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 किसी ने अफरोज को मार दिया रे। सच में खिड़की से मैंने किसी को जाते हुए देखा। इतना मना किया फिर भी लाज पे लाज पैक बनाता गया। जाने दे, लगता है चढ़ गई है तुझे। अरे चाहिए तो खुद चलकर देख लो ना। चलो चलो। हाँ चलो, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? चलना यार, पहले यहाँ देखो, देखो यहाँ पे खून है, यहाँ पे खून पड़ा है। अफरोज, ये देख, अफरोज, नीचे देख। अफरोज कहाँ है? टमाटो केचप, तुझे खून लग रहा है? नहीं यार, सच में यहाँ पर खून पड़ा था। शायद वो अपने रूम में होगा, चलकर देखते हैं ना। देख, तुझे ज्यादा चढ़ गई है, तू जाके अपने रूम में सो जा। हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। हाउस रूल्स के हिसाब से हम साथ में नहीं रह सकते, समझा ना? चलो गाइस, टाइम वेस्ट कर क्या यार, सच में चलो। मारने पर जाना चाहिए यार। शाह नहीं गया। अफरोज भी एलिमिनेट हो गया, उसके बाद कौन होगा? एलिमिनेट नहीं हुआ, वो मर गया। ए, रात की अब तक उतरी नहीं क्या? हमें लग रहा था कि इस फार्म हाउस में कोई भूत है, जबकि यहाँ पर कोई साइको किलर है। सैदुल, क्या बात कर रहा है यार? किरण, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है किरण। ए, वो पहले डरी हुई है और ये सब बोल के तू और डरा रहा है। इस गेम से हम क्विट कर देते हैं। सिर्फ 3 दिनों के बाद इस हाउस को क्विट करने की परमिशन नहीं मिलती है। अरे यार, तू क्यों उसे टेंशन दे रहा है? बस 4 ही दिन बचे हैं इसने यहाँ। जितना ज्यादा दिन रहोगी उतना पॉपुलर बनोगी,
अच्छा हाँ, तभी तुम्हें एंकर बनने के ऑफर भी मिलेंगे। अच्छा ऐसा क्या? इस प्राइज मनी से एक गेम शो प्लान करेंगे और उस शो से तुम बहुत बड़ी एंकर बन जाओगी। क्या बोलता है? कभी नहीं बनेगी। हाँ? अरे छोटू तू जाके सो जा बेटा। सुनिए वो शो आधा खत्म हो गया होगा, जल्दी से टीवी लगाइए। शो चाहे जैसा भी हो, तुम्हारे भाई गिरी की एक्टिंग मस्त है। क्या पता, मुझे डर लग रहा है, एक बार उसे कॉल कीजिए ना। तुम्हें बताया ना, शो में फोन अलाउ नहीं है। सर आपने बुलाया? वो डर के शो के केस का क्या हुआ? वो प्रोडक्शन ऑफिस पिछले 5 दिनों से लॉक है। उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कॉल किया था? किया था सर, नॉट रीचेबल आ रहा है। नॉट रीचेबल, ठीक है। वो मीडिया वाले अभी भी हैं क्या? हाँ है सर। चलो आ रहा हूँ। ओके सर। डर नाम के रियलिटी शो में कंटेस्टेंट को एक किलर मारते हुए टेलीकास्ट हुआ, इसलिए सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। इस केस में और जानकारी के लिए हम सब यहाँ पुलिस स्टेशन आए हुए हैं। इस केस से संबंधित कुछ जानकारी सीआई नरेंद्र जी बताने जा रहे हैं। वो डर शो में जाने वाले स्टूडेंट्स अब तक लौट कर नहीं आए, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। भूत के नाम पर उस फार्म हाउस में कोई किलर एक एक कंटेस्टेंट को मारे जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब वो टीवी चैनल वाले टीआरपी के लिए कर रहे हैं। इस शो में आगे कौन एलिमिनेट होगा इस पर अब बाहर के लोग बेट भी लगा रहे हैं सर। इस विषय पर पुलिस क्या कर रही है सर? बेटिंग? हाँ। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं है। पर उस शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों का फोन नंबर भी नॉट रीचेबल है सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमसे अच्छा आप लोग ही इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। जर्नलिस्ट का काम भी इन्वेस्टिगेट करना ही होता है सर। फिर और क्या, आप लोग खुद ही इन्वेस्टिगेट करके जो मिले उसे पेपर में छाप दीजिए। Hey, रुको, साहब से मिलना चले आ रहे हो, जाने दो। सर, हमारी बेटी को शो से एलिमिनेट हुए 3 दिन हो गए हैं सर, वो अब तक घर नहीं आई। टीवी में दिखाया कि वो मर गई है सर, उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ है। हाँ सर, मेरा भाई गिरी भी गायब हो गया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आ जाएंगे, ये एक टीवी शो है, ऐसा वो लोग करते रहते हैं। एक लौती बेटी है सर, डर लग रहा है। प्लीज सर, प्लीज आपके पैर पकड़ता हूँ सर, कुछ तो कीजिए। आप घर जाइए, मैं 2 दिन में पता लगाता हूँ। ठीक है सर। प्लीज सर। वासु, सर शो में सिलेक्ट होने वाले विजय को किसी ने उसके घर में मार दिया। कम, चलो चलते हैं। शो में सिलेक्ट हुआ था तो यहाँ पे क्यों है? इसकी जगह पर चंदू नाम का लड़का गया था सर। मुझे उस शो में सिलेक्ट हुए स्टूडेंट्स की लिस्ट, कॉलेजेस, हिस्ट्री, पेरेंट्स डिटेल्स सब चाहिए। ओके सर। एक बात और, वो फॉर्म हाउस कहाँ पे है पता चला? नहीं सर। ठीक है चलो, उस टीवी चैनल के पास चलते हैं। सर मुझे पता नहीं क्यों चंदू पे शक नहीं है सर। मैं ही नहीं, बाहर की टीवी ऑडियंस भी यही सोच रही है। हमें सिर्फ एक दिशा में नहीं सोचना चाहिए, हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मतलब सर? थॉमस का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी अभी तक ट्रेस नहीं हुए, पहले उनका पता लगाना होगा। रिसेंटली कोई साइको किलर जेल से भागा है क्या? पता लगाता हूँ।
हाय सर, दिस इज योगी, चैनल का सीईओ, प्लीज आइए। इस शो में एलिमिनेट होने वाला कोई भी घर रिटर्न नहीं आया, आपको कोई आइडिया है? हम जानते हैं सर, उनके घर वाले कंप्लेन कर रहे थे। हम भी सबको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर फोन नहीं मिल रहे। वो सीडी आपको रोज कौन ला के देता था? शुरू में तो एक आदमी लाकर देता था, पर पिछले 3 एपिसोड से प्रोग्राम की सीडी एक अनजान आदमी किसी एक जगह पर रखकर हमें कॉल करके लोकेशन बताता है। कहाँ पे? शुरू में वो हमारे ऑफिस के नीचे डस्टबिन में रखा था, दूसरी बार हमारे चेयरमैन के घर पर कुरियर से भिजवाया था। आपके ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा है क्या? जी बिल्कुल है सर। मुझे उसके फुटेज दिखाइए। ओके सर। वहां पे पॉज कीजिए। उसने बाइक नंबर कवर किया है सर। थोड़ा रिवाइंड करो तो। हाँ, यहां पॉज करो। कार के साइड मिरर में बैक का नंबर प्लेट दिख रहा है। यस। थोड़ा और जूम करो। AP28UE1496। वो नंबर ट्रेस करो क्विक। ओके सर। डर नाम के रियलिटी शो से एलिमिनेट हुए कंटेस्टेंट्स के माता पिता चिंतित हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है और मीडिया से मुंह छुपा रहे हैं SP। ये डर का शो है या रियलिटी शो है या फिर डेथ का रियल शो? टीवी पर दिखाई जाने वाले इस शो के कंटेस्टेंट्स जो अभी तक घर वापस नहीं आए हैं वो हैं थॉमस, कीर्ति और गिरी। अब इनके बाद कौन? 10 लोग 10 दिन का शो और 20 लाख रुपए की लालच का ये डर का शो, पर इनमें से आखिर बचेगा कौन? इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन इस शो के उस फार्म हाउस को पुलिस खोज नहीं पा रही है। हेलो, SP प्रभाकर राव हियर। मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर। हो सब बाद में, ये बताओ उस डर के शो का क्या पता चला? सर कुछ इम्पोर्टेंट लीड्स मिली हैं। मेरे फ्रेंड का बेटा पृथ्वी भी उसमें है, वो केस जल्दी सॉल्व करो। ठीक है सर। मुझे रिजल्ट चाहिए जल्द से जल्द। ओके ओके सर। सर। हेलो नरेंद्र। हाँ बोलिए सर। कहाँ पर हो? मैं उस शो के चैनल के ऑफिस में हूँ, वहीं पर रहो। मैं आ रहा हूँ। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या है ये रियलिटी शो का झमेला? एक तरफ मीडिया है, दूसरी तरफ होम मिनिस्टर है और तीसरी तरफ पेरेंट्स। बहुत टॉर्चर हो रहा है। वही देख रहा हूँ सर। उस क्रिमिनल से जुड़ा हुआ हमें एक क्लू मिला है सर। मुझे लगता है वो कोई बाहर का नहीं है बल्कि उस शो से जुड़ा हुआ कोई स्टूडेंट है जिसने पक्का प्लान करके ट्रैप किया है। वही ये सब कर रहा है वो बेचारे अनजान स्टूडेंट्स। अंदर कोई रियलिटी शो चल रहा है सोचकर एंजॉय कर रहे हैं और उनका इस तरह मरना टीवी में देखकर पेरेंट्स बहुत डर रहे हैं। हेलो सर। हेलो। प्लीज कम सर, दिस वे। दिन ब दिन ये शो बहुत ही वायलेंट हो रहा है। इस शो को जल्दी से बंद करो। सर शो को हम आधे में नहीं रोक सकते, व्यूअर्स नहीं मानेंगे। आपको अपने शो के अलावा कोई मरे जिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपरिहार्य कारणों से ये शो रोक दिया गया है। किरण जूस? हाँ ले लूंगा। साउंड पॉल्यूशन। Ah!
Sneha, you need any help? Huh? Shit. Thank God, it's working. Shit. Sneha, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ. जूस रख देना, मैं बाद में पी लूंगा. अब तक घर नहीं आई है सर. मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर. बेटी को टीवी शो से एलिमिनेट हुए 3 दिन हो गए हैं सर, पर अब तक वो घर नहीं आई है. फोन भी स्विच ऑफ है सर. प्लीज सर, प्लीज, अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर. हेलो सर, उस फार्म हाउस का पता लग गया है सर. वही सर, रियलिटी शो का फार्म हाउस. ओके ओके, मैं अभी आता हूँ. हमारे कांस्टेबल को भी निकालने के लिए बोलो. ओके सर. आइए सर. हमें पता चल गया है, इसीलिए शायद सबको यहाँ से शिफ्ट कर दिया है. ये वो घर है ही नहीं. कोई नहीं चाहता कि हम उस घर तक पहुँचे. एक्चुअली शो कहीं और हो रहा है. तुम्हारे पास चंदू का एड्रेस है क्या? हाँ है सर. चलो उसके घर पे ही चलते हैं. शो में होने वाले मर्डर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है? मुझे कुछ भी नहीं पता सर. सॉरी कहके नित्या से पैचअप करने के लिए गया था, बस इतना ही. गए थे तो बीच में क्यों आ गए? नित्या को पृथ्वी के क्लोज जाते हुए देखकर
पृथ्वी से ही वो लव करती है सोच के मैं वापस आ गया। शो से आने के बाद तुम पुलिस से क्यों नहीं मिले? उस हाउस में मर्डर हो रहे हैं ये मुझे पता नहीं था सर। उस गम में मैं 3 दिन घर के अंदर ही था, पेंटिंग्स बना रहा था, टीवी भी नहीं देखा। बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता सर। हम बाहर केस का क्लूज ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ बैठ के पेंटिंग बना रहा है। विजय का मर्डर तूने किया है? विजय का मर्डर हो गया? ठीक है, वो शो जहाँ हो रहा है उसका एड्रेस पता है? नहीं पता सर। उस शो से एलिमिनेट होने वाला कोई भी रिटर्न नहीं आया, तुम अकेले कैसे आ गए? मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी व्हीकल में बिठा दिया था और जब आंखें खुली तो हैदराबाद बस स्टेशन पर था। तुम्हें कितना समय लगा होगा उस शो के फार्म हाउस से बस स्टेशन आने तक? कुछ 5 घंटे लगे थे। 1 घंटा ट्रैफिक का हटा दे तो 4 आवर्स। फास्ट आया या स्लो आया? नॉर्मली आया था सर। सिक्सटी किलोमीटर की स्पीड से 4 आवर्स मतलब 240 किलोमीटर। हैदराबाद से 250 किलोमीटर की रेडियस में वो बिल्डिंग कहीं भी हो सकती है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, उतने रेडियस में बिल्डिंग ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इस बीच वो किलर सबको मार डालेगा। सर ऐसा ना हो इसलिए कोई सॉल्यूशन ढूंढिए। तुम आते वक्त या जाते वक्त कोई भी शब्द या कुछ याद कर सकते हो क्या? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। सर आते वक्त रास्ते में एक केमिकल का स्मेल आ रहा था। केमिकल स्मेल? वासु जरा लैपटॉप लेके आता हूं। ओके सर। अपने शहर में इंटर होने के लिए 4 हाईवेज हैं। उनमें से सिर्फ इन 2 हाईवेज में केमिकल फैक्ट्रीज हैं। चंदू ध्यान से याद करो उस फार्म हाउस के बारे में या उसके सराउंडिंग के बारे में कोई एक क्लू। अरे लगता है रात में बहुत बारिश हुई यार। सर उस दिन बहुत बारिश हुई थी। दैट्स इट। कौन सा दिन था? वैलेंटाइंस डे के 1 दिन पहले। हाँ तुम वेदर डिपार्टमेंट को फोन करो, फरवरी 13 को हमारे स्टेट के किस किस डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई थी पता लगाओ। ओके सर। सर बाइक का नंबर गलत है। मुझे लगा था। सर नालगोंडा खम्मा कड़प्पा नल्लू इन जगहों पर बारिश हुई थी सर। तो फिर हमें नालगोंडा खम्मा इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में सर्च करना होगा। चलो। सर मैं उस शो के वीडियोस देख सकता हूँ? सर इस डर शो के केस का क्या अपडेट है सर? मैंने इस शो से संबंधित एक मुख्य आदमी को अरेस्ट किया है। इस शो में होने वाली हत्याओं से और विजय की हत्या से चंदू का कोई संबंध है क्या सर? नो कमेंट्स। कहा जा रहा है कि चंदू भी उनसे मिला है सर, क्या ये सच है? अभी तक मिला नहीं, पर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि चंदू का इससे कोई संबंध नहीं। सर आप मीडिया से बहुत कुछ छुपा रहे हैं। आप लोगों को सारी बातें हम नहीं बता सकते, पर आप ऐसे बातें छुपाते रहेंगे तो पेरेंट्स का डर बढ़ता जाएगा सर। टीआरपीज के लिए आप लोग न्यूज में मसाला ऐड करके लोगों में डर पैदा करने वाले आप हैं या हम? सर इस शो को अचानक से रोकने का कारण क्या किलर का कंटेस्टेंट को मारना है? नहीं रुकेगा, लेकिन पेरेंट्स की टेंशन जरूर कम हो जाएगी। उतना ही नहीं लोग देखना बंद कर देंगे तो वो मारना भी बंद कर सकता है। सर इस शो के नए एपिसोड्स ऑनलाइन भी दिखाए जा रहे हैं सर और इसमें एडिटेड सीन भी दिखाए गए हैं सर। यूट्यूब में अपलोड करने वाले आईपी एड्रेस का पता लगाओ क्विक। सर उस शो में वो लोग दूसरी बिल्डिंग दिखा रहे हैं, एक्चुअली हम जिस बिल्डिंग में रह रहे थे वो ये बिल्डिंग है। वासु
सर, इस इमेज को खम्मा और नालागोंडा डिस्ट्रिक्ट के हर पुलिस स्टेशन में फैक्स करो, और इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। मैं उधर ही जा रहा हूँ। सर मैं भी आऊंगा। तुम? सर मैं उस फार्म हाउस को पहचानता हूँ, और उतना ही नहीं मैं उस रूट को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मेरे रूम का फैन भी काम नहीं कर रहा। मेरे रूम का भी। कितनी गर्मी, रूम का भी नहीं कर रहा तो दूसरे रूम में चली जाओ। गिरी के रूम में भी व्यू अच्छा दिखाई देता है। अच्छा हाँ। तो फिर मेरा लगेज वहाँ शिफ्ट करने में कोई मेरी हेल्प करेगा? हाँ करेंगे ना, विद प्लेजर। यार तुम लोग जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे ज्यादा मत पढ़ना, ओके? ऑडियंस तुम्हें देख देख कर बिगड़ जाएगी। ऑडियंस का क्या, सप्ली तो मेरी आई है ना। तुम्हारे पास चिट तो है ना? चिट विट से कुछ नहीं होगा, वो प्रिंसिपल है ना, उसकी नजरें हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। वो तुमसे लव करता है रे। उसके लव की ऐसी की तैसी। बाय बाय बाय। बाइबल पढ़ना शुरू कर दे। कभी शुरू कर दी। क्यों रे, इतनी मस्त लड़की को वहां अकेले छोड़ आया? तू यहाँ पे आराम से घूम रहा है और वो वहाँ पे एंजॉय कर रही है। पहले तेरे साथ थी, अब किसी और के साथ है, कल पता नहीं। चंदू, फिर से कह रहा हूँ, तुम चले जाओ। नहीं सर, मैं भी आऊँगा। उस शो में देखा ना, वो किलर किस तरह सबको मार रहा है। यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन ग्रेट डेंजर। वहाँ नित्या बहुत ही खतरे में है सर, मुझे कुछ हो जाए परवाह नहीं, मगर नित्या बचनी चाहिए। तू उससे इतना प्यार करता है? जी हाँ सर। पर नित्या तुझे? नित्या मुझसे प्यार करती है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन एक समय में वो प्यार करती थी ना, वो काफ़ी है। आई लव हर फॉर एवर। सही ऑर्डर प्लीज। दो मिल्स ले आओ। ओके सर। ए सुन, उस शो को बैन कर दिया है यार। टीवी में बैन कर दिया तो क्या हुआ, नया एपिसोड यूट्यूब पर है। ऐसा क्या, दिखा तो। सुबह तक सिर्फ 2000 व्यूज थे, अभी 2 लाख व्यूज हो गए। वाओ, अमेजिंग यार। हाँ वासु बोलो। सर शो का वीडियो अपलोड करने वाला आईपी एड्रेस मिल गया है सर। कहाँ पे? खम्मू में है सर। खम्मू में कहाँ? रेलवे स्टेशन पे सर। स्टेशन पे? सर वहाँ पे गवर्नमेंट का फ्री इंटरनेट है सर, इसलिए एग्जैक्ट एड्रेस पता लगाना मुश्किल होगा। ठीक है, खम्मू के हर पुलिस स्टेशन में चंदू का बनाया हुआ स्केच फैक्स कर दो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। ओके सर। चंदू, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कम। सारा सामान ले लिया ना? हाँ ले लिया। यस। इट्स लुकिंग नाइस। पृथ्वी फोन। हाँ ये फोन गिरी का ही है। फोन नहीं लाने कहा फिर भी ले आया। हाँ बैटरी नहीं है। बैटरी यहीं कहीं गिरा होगा, देखो बैटरी कहाँ गया। गाइस बैटरी डाल के देखता हूँ। ओपन कर यार, कितने दिन हो गए इंटरनेट चेक नहीं किया। बाहर पता नहीं क्या हो रहा होगा। हाँ यार, ये फोन यूज करता देख कहीं वो लोग हमें एलिमिनेट ना कर दे। मजाक है क्या, ऐसा है तो वो साइदुल विनर होगा। अरे डर मत, वो देख कैमरा टूटा हुआ है। हाँ थैंक गॉड। यस तो फिर फर्स्ट हमारे शो के बारे में लोग क्या कहते हैं वो देखते हैं। हाँ देख चेक कर। फास्ट कम ऑन पृथ्वी,
अरे अरे इस शो में हम जो देख रहे हैं वो रियलिटी ड्रामा है या सच में हत्याएं हो रही हैं? अगर हत्याएं हैं तो ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? ये सब सच है क्या? नित्या YouTube वीडियोस ओपन करो। ए जिम में अफरोज मर गया है यार। मतलब उस दिन? सच कह रहा हूँ, वहाँ पर मैंने काले साई को भी देखा। सैदल ने जो कहा वो सच था। कीर्ति इसको फोन करना चाहिए। हाँ, What? चार्ज खत्म हो गया। Shit. अब इस रूम में कहीं चार्जर है क्या? वहाँ चलो ढूंढते हैं। हाँ, जा। नहीं मिला, अब क्या करें? हमें किसी भी तरह यहां से भागना होगा। हमें सब पता चल गया, ये किलर को पता चलेगा तो वो हमें भी मार देगा। एक काम करते हैं, हम लोग यहां से चुपचाप निकल चलते हैं। हाँ। पर साइदुल? वो किसी भी तरह आ जाएगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नो, डिनर के वक्त बताएंगे। ओके। एक घंटा हो गया फैक्स किए हुए, पर उस घर के बारे में अभी तक कोई कॉल नहीं आया। इस पिक्चर में जो फार्म हाउस दिख रहा है कहीं देखा है? ध्यान से देखो, ये डर शो का फार्म हाउस है, तुम्हारे खमुज जिले में ही है। सर, मेन सिटी पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी इस बारे में। थैंक्स। इसे आपने कहीं देखा है? इसे देखा है? कहाँ पे? ये कुस्मान विलेज के बगल में है सर, 5 साल से वहां पर कोई नहीं आता जाता। कितनी दूर होगा? यहाँ से 20 किलोमीटर होगा सर, अगले सिग्नल से राइट लेना होगा। थैंक्स। जी। बहुत भूख लगी है। हाय यार। हाय नित्या। सैदुल, तुझे एक बात बतानी है। बोलना, पार्टी के बारे में बात है क्या? हाँ। प्राइस मनी जीतने के बाद फुल पार्टी करेंगे हम लोग। किरण, तुम और स्नेहा भी हमारे कॉलेज में जरूर आना, कॉलेज में मेरे फैंस को देखकर तुम लोगों का दिमाग घूम जाएगा। क्या हुआ यार, तूने फिनिश भी कर दिया? भूख नहीं है यार। नित्या, डाइटिंग की आदत तूने सबको लगवा दिया।
पृथ्वी, तेरी बॉडी को डाइटिंग की आदत नहीं है यार। कोई मुझे डाइटिंग के लिए बोले तो मुझे तो वॉमिटिंग होने लग जाती है। क्या यार, तुम सब इतने साइलेंट क्यों बैठे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओ, स्नेहा एलिमिनेट हुई है इसीलिए ना? वैसे एक बात बोलूं, मुझे बड़ी खुशी हुई उसके एलिमिनेट होने से। यार बुरा मत मानना, बुरा लगा तो सॉरी यार। इट्स ओके, चलता है यार। साइदुल, तुमने अफरोज के बारे में जो बताया था ना, वो बिल्कुल सही था। उस रात को तुमने मेरी बात नहीं मानी ना? देर आए पर दुरुस्त आए। अब साइदुल, मुझे एक बात डिस्कस करनी थी। कल सुबह डिस्कस करेंगे। गुड नाइट साइदुल। गुड नाइट यार। हम ही साइदुल के रूम में जाकर उससे बात करते हैं। पर सीसीटीवी कैमरा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारी मौत हमें मिलेगी और उसकी मौत उसे। अगर चारों साथ रहेंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। साइदुल, भागो, चलो जल्दी खोल, जल्दी खोल, दरवाजा खोल यार, जल्दी कर, आ जाओ, चलो चलो। यही है क्या? हाँ सर, यही घर है। वो हमें सीसीटीवी में देख लेगा। तुम वहां से जाओ, मैं यहां से जाता हूं। हाँ, ओके सर।
मैंने कहा था ना, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, कोई साइको किलर है यहाँ पर। वो वीडियो नहीं देखा होता तो हमें भी यकीन नहीं होता। वही बताने हम तुम्हारे रूम में आए थे। थैंक्स नित्या, पर स्नेहा, गिरी, अफरोज, वो सब कहाँ हैं? उनमें से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं गया। हाँ, सभी को फार्म हाउस में ही मार दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये सब क्या हो गया यार? मैं तो प्राइज मनी से पार्टी एंजॉय करने के बारे में सोच रहा था यार। किसी भी तरह यहाँ से बचकर चंदू से मिलना होगा। चंदू को ठीक से समझ नहीं पाई मैं। आई मिस यू चंदू। चंदू, चंदू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो गाइस, भागो यहाँ से, चंदू ही किलर है। नित्या, तुम भाग जल्दी। भागो। पृथ्वी, जल्दी भागो वहां से। जल्दी कीज, तू वहां पे देख। पहले हम उस कैमरा को तोड़ देते हैं, वरना वो हम पर नजर रखेगा। पृथ्वी, वो फार्म हाउस का सीसीटीवी मॉनिटर रूम में ही होगा या फिर किलर के पास होगा। मैं उस किलर को डाइवर्ट करता हूँ, जाके मॉनिटर रूम में ढूंढ। चंदू, पर ये बहुत रिस्की है यार। साइदल, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो जाओ। हाँ साइदल, मॉनिटर रूम वहाँ होगा। ठीक है, कम ऑन गाइस, चलो। वन मिनट चंदू। I love you, Chandu. I love you. And I missed you. Nitya. Oh!
नित्या, ये लड़की संध्या है ना? हाँ, पर संध्या की फोटो यहाँ। इसे तो मैंने कॉलेज कैंटीन में देखा था। नित्या, चंदू। चंदू? चंदू? हे साइदल, कीज। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अरे बाप रे, पृथ्वी, 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 बचाओ, बचाओ, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ मुझे, छोड़, बचाओ, छोड़ मुझे, चंदू तू जा, चंदू तू जा। तू जा यहाँ से चंदू, उन दोनों को बचा जा। ए, छोड़ उसे साइदल, नहीं, ए। नित्या, जाओ यहाँ से, नित्या, जाओ यहाँ से,
वैसे क्या हो रहा है सर यहां पे? यही है इस डर शो का एडिटर। एडिटर का और इस शो का क्या संबंध है सर? गुंटूर आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साल पहले रैगिंग की वजह से एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। ये एडिटर उसी का भाई है। उसी तरह हैदराबाद में जीके इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली संध्या नाम की एक लड़की एक साल पहले रैगिंग की वजह से सुसाइड कर ली थी। वाह रही है, बोर्ड चेंज कर क्या? जा, यस। देखो आ गई। तुझे रिकॉर्ड्स लिखने के लिए कहा तो तुमने हमारी कंप्लेंट की कि हम रैगिंग कर रहे हैं। कूल। आज तुझे रैगिंग क्या होता है ये दिखाते हैं। पहले वॉशरूम में जा और अपना मुंह धो के आ। ए संध्या, अपना बैग यहीं रख के जाओ। ए क्या कर रहे हो तुम लोग? ए जल्दी कर। संध्या, वैसे लंच में क्या लाई हो? एक बार अपना बैग खोल कर दिखाओ। लो पियो, होठों में दबाओ। ए जलाना। चलो पियो, मजा आएगा। जा जाके कॉन्डम का एक पैकेट लेके आ। जा ले आ। सोच क्या रही हो, जा लेके आना। जाना लेके आ गई है। अरे ओए, तेरी रैगिंग कंप्लीट हो गई, ऐसा मत सोचना। असली रैगिंग तो अब होगी तेरी, फिर हम देखते हैं कि कहां कहां कंप्लेंट करेगी तू। आई बात समझ में? संध्या की मृत्यु का कारण बने सीनियर्स पे एक्शन लेने के लिए कॉलेज मैनेजमेंट से कितनी बार पूछा गया पर कोई रिस्पांस नहीं आया। रैगिंग करने वालों पर कोई एक्शन नहीं? आप फिक्र मत कीजिए, वन वीक में एक्शन लेंगे।
आपके दुख को मैं समझ सकता हूँ। ये बात अगर बढ़ गई तो हमारे कॉलेज की बदनामी होगी। इस बात को यही भूल जाओ। उनकी बेटी के सुसाइड करने का दुख उनकी मां नहीं सह पाई और उसकी मां हार्ट अटैक से मर गई। फिर उन्होंने संध्या की तरह रैगिंग के शिकार हुए स्टूडेंट्स को ढूंढा। तभी गुंडूर आरवी इंजीनियरिंग में हुए सुसाइड इंसिडेंट के बारे में पता चला। उनके भाई को अप्रोच किया। दोनों ने मिलकर इस शो को प्लान किया। जिन लोगों की रैगिंग की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स की जाने गईं, उन्हीं लोगों को इस शो में सिलेक्ट किया गया। एक लड़की से भूत की एक्टिंग करवाई। डायरेक्टली वो आदमी जाकर कॉलेज में एक एक को मार सकता था, फिर उसने शो का नाटक क्यों किया? रैगिंग करने वालों का क्या हश्र होता है ये देख के रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स चेत जाएं, यही शो का उद्देश्य था। पर उसने चंदू को क्यों छोड़ दिया सर? क्योंकि संध्या की रैगिंग करने वालों में चंदू नहीं था, विजय था, इसलिए विजय को भी मार दिया। वो तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, फिर उनके पास शो को प्रोड्यूस करने के लिए पैसे कहां से आ गए? मैनेजमेंट ने उसे साइलेंट रहने के लिए जो 20 लाख रुपए दिए थे, ये शो उसी से प्रोड्यूस किया था। तो फिर इस शो का प्रोड्यूसर? वो भाग गया। प्रोड्यूसर भाग गया? ये सब उसी की वजह से तो हुआ है ना? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो बहुत दिनों तक हमसे बच नहीं पाएगा। खूनी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब कि नित्या को खतरा है। क्यों आए हैं सर? मुझे मैसेज आया था कि तुम्हारे लिए इस जगह पे एक बॉक्स पार्सल होगा। मेरे लिए? यहाँ पे? चंदू, दिस इज फॉर यू।
मैं कॉलेज की कैंटीन में तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुमने अपने कई जूनियर्स को रैगिंग से बचाया है। तुम जैसे लड़के से अगर उसके अपने ही दूर हो जाएं तो कितना दुख होता है मैं जानता हूँ। इसीलिए नित्या को मैंने माफ कर दिया। एक बात और, तुम इस हाउस से बाहर आने वाले आखिरी शख्स हो, इसलिए इस शो के प्राइज मनी के तुम ही हकदार हो। सुना है कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं, वो हमेशा बंधे हुए होते हैं। इसलिए मुझ जैसे लोगों के हाथ हथियार बन रहे हैं। मुझे तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। जब तक मैं नहीं मिलूंगा, मुझसे डर कर स्टूडेंट्स को रैगिंग का ख्याल भी नहीं आएगा। हेलो चंदू। हेलो नित्या। तुमने जब फोन किया था तब मैं बाथरूम में थी, बताओ क्या काम है? कुछ नहीं, ऐसे ही किया था। ओके